क्वेश्चन है, इफ आई हैव अ डाउट इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाई शुड आई वॉच द एंटायर वन शॉट? पूरा सेशन क्यों देखना है यार? कोई सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई वेलकम टू कॉन्सेप्ट बाइट्स. इन टुडेज अंडर 10 मिनट सेशन, माय जॉब इज टू मेक श्योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. डजंट मैटर व्हिच क्लास यू आर इन, क्लास 9th में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लास 10th, क्लास 11th, जेईई, नीट. इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज व्हाट यू नीड टू बी. सो वेलकम टू वेरी ओन बायजूस 9th एंड 10th चैनल. आई एम सौरभ, योर फिजिक्स मेंटर, एंड टुडे वी विल लर्न न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी है बहुत पुरानी, एरिस्टोटल से शुरू हुई थी. एंड देन वी लेड टू डिफरेंट साइंटिस्ट, कॉपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन. चीजें बनी ऑब्जर्वेशन से. सो लेट मी टेल यू हाउ इट स्टार्टेड. पीपल स्टार्टेड ऑब्जर्विंग थिंग्स, हमने चीजों को देखा. फर्स्ट लॉ इज ऑब्जर्वेशनल, सेकेंड इट इज क्वालिटेटिव. नंबर्स नहीं आते हैं, इट्स अबाउट सीइंग एंड टेकिंग हाइपोथेसिस एंड देन सेइंग यस एवरी टाइम आई सी एनीथिंग, मेरा ये जो हाइपोथेसिस है दिस प्रूव्स ट्रू. ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब हमने क्या देखा, फ्रॉम सेंचुरीज वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग वन थिंग. If I keep anything, let's say a ball, and I keep looking at it, right? If you keep looking at a ball, it doesn't matter if you watch it for minutes, hours, days, or years, the ball will not move. Ball nahi hilne wala hai. Koi kuch bhi kar le, right? Jab tak koi aayega aur usko dhakka nahi dega, right? Let's derive the words out of this observation. Anything, if is kept at rest, will remain at rest. Kab tak? Until there is a net external force acting on it. Hai na? Jab tak uspe bahar se ek net external, net matlab kya hota hai? Do force laga denge agar hum. If you apply two forces, they are balanced, right? Net kya hai iska? Zero hai. 10 newton, 10 newton. Dono opposite direction mein hai to, that means ye to zero ho gaya. Body move nahi karega. Kya chahiye aapko kisi body ko move karane ke liye? You want an unbalanced force. You want a net external force. If you have a net external force, a body kept at rest can be brought into motion. All right. ये हुआ पहला observation. अब एक observation और है. Imagine, you throw a ball on the ground, है ना? आप ground पे एक ball throw करते हो. What happens? It stops after some time. Correct? Why? Come on, think about it. Why? Yes, we all know it, yaar. We have been observing it. हम आसपास देखते हैं. क्या होता है? Friction होता है, right? Very good. Now, what people observed? कि इफ यू स्लाइड समथिंग, लेट्स से ऑन अ रफ सर्फेस, और आप सर्फेस को जितना स्मूथ करते जाओगे, द थिंग स्टार्ट्स टू गो फार्दर एंड फार्दर, राइट? सो दिस इज वेयर दिस वन मोर ऑब्जर्वेशन विच केम इन टू पिक्चर, कि यार इफ समथिंग इज मूविंग, इट विल कीप मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन. अगैन कब तक? अंटिल अनलेस देर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. कोई भी बॉडी अपनी सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, राइट? एंड इसका तो बड़ा सही प्रूफ भी है. एस्ट्रॉइड्स इन स्पेस, इफ यू थिंक अबाउट इट, आसपास कोई प्लैनेट नहीं है, दीज एस्ट्रॉइड्स आर लाइक फ्लोटिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इफ यू कंबाइन एवरीथिंग, हमने जो भी ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस दिए, if you combine everything, it becomes the Newton's first law of motion. Very simple. An object remains in a state of rest or in a state of uniform motion until and unless external force acts on it. Rest kya hota hai? There is no change in the position. Uniform motion kya hota hai? There is no change in velocity. Yani ki speed or direction dono same hai, right? This is the Newton's first law of motions. Now, I have one more question. Ab ek bachcha, let's say anybody can ask, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि भाई कोई बॉडी रेस्ट पर रहेगा या फिर मूव करता रहेगा, लेकिन क्या उसके पीछे कोई रीजन है? इज देयर एनी रीजन दैट द बॉडी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन? यस. अब ये रीजन देने के लिए एक और टर्म दिया गया. द टर्म वॉज कॉल्ड एज इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. तो इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. एक बॉडी है, बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है कि हमें आलसी, I'm lazy. I want to keep doing what I'm doing. If I'm at rest, I want to be at rest. If I'm moving, I want to keep moving in the same speed, in the same direction, right? So this is what we call as inertia. बहुत अच्छे. अब inertia और mass का relation बड़ा सही है. कोई भी भारी चीज होती है, उसको movement में लाना या फिर अगर वो चल रही है तो उसको stop करना, दोनों मुश्किल होते हैं. Think about it.
सोच के देखो, एक टॉय कार है और एक एक्चुअल कार है. टॉय कार को झटका दोगे वो चल पड़ेगी, एक्चुअल कार को धक्का मारते रह जाओगे वो नहीं चलेगी. व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर मास. इसकी इनर्शिया ज्यादा है, इसके अंदर लेजीनेस ज्यादा है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कैन से मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. नॉट मास इज नॉट इक्वल टू इनर्शिया, इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. ज्यादा भारी बॉडी, ज्यादा इनर्शिया, ज्यादा देर तक अपना स्टेट मेंटेन करना चाहेगी वो, राइट? सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. When mass increases, inertia increases. Now, based on this, we said there are three types of inertia. Inertia एक ही होता है. उसके तीन categorization कर दिए. We have just done three categorizations. Think about it. Inertia of rest means the body will stay at rest. कब तक? Until acted upon by an external force. Inertia of motion, a body will keep moving. कब तक? Acted upon by net external force. Inertia of direction, a body will keep moving in the same direction. कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है. सो दीज थ्री आर समथिंग विच आर डिराइव फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ इनर्शिया. यार इट्स वेरी इजी, है ना? चलो अब लेट्स डू वेरी फ्यू क्वेश्चंस, बट वेरी रियल, वेरी आई वुड से इंपैक्टफुल क्वेश्चंस. कम ऑन, एक्सप्लेन हाउ डस्ट कम्स आउट ऑफ अ कारपेट व्हेन बीटन विद अ स्टिक. यू हैव अ कारपेट विच इज डस्टी. क्या करते हो? ऐसे लेते हो, यू टेक अ डंडा और यू टेक अ स्टिक एंड यू स्टार्ट बीटिंग टप टप टप. व्हाई? Newton's first law of motion. The dust particles want to stay at rest. But when you beat the carpet with a stick, आप क्या करते हो? Carpet तो चला जाता है, but dust particle remains at its position because of inertia of rest. इसको तो time ही नहीं मिला इस carpet के साथ पीछे move करने का, right? So carpet went back, dust particle remained there, and then because of gravity, it fell down. Newton's first law of motion. And इस पे तो कितने आम तोड़े हैं हमने, कितनी जामुनें तोड़ी हैं? Newton's first law of motion, right? So it's very easy to understand. Explain how dust comes out because of Newton's first law of motion. State the law and then explain how this law is acting in this particular case. All right. Carpet comes to motion because of the force and dust remains at rest due to inertia of rest. Very good. Next, a moving bicycle comes to rest after some time. If we stop pedaling, does this violate Newton's first law of motion? Come on, think about it. You are pedaling, 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 then you stop. गाड़ी चलती है थोड़ी देर, ना? Your cycle moves for some time. But then it stops. But if Newton's first law was true, the cycle should have kept moving here, है ना? We have discussed this. Because हमको लग रहा है that there is no force acting on the cycle, but still it is stopping. No, there is a force. What is the force? It is friction. So the answer is, does this violate? No, there is a force acting on the cycle. It is friction. It is working opposite to the motion of the cycle, right? So that's why. Yahi reason hai cycle ke rukne ka. If friction was zero, cycle would never stop, right? Bahut badhiya. So the answer is no. When the cardboard is thumped, the coin doesn't fly along with cardboard due to. This is something which is a very nice activity you can try at your home. Take a glass, take a coin, and take a paper. पेपर को धक्का मार दो लाइक दिस, राइट? यू प्लक द पेपर एंड देन द कॉइन विल फॉल डाउन. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द पेपर, इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ कॉइन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ पेपर, या फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ कॉइन. कौन रेस्ट पे था और कौन मूव किया? थिंक अबाउट इट. हु डिड यू पुश? सोच के देखो. सर मैंने धक्का दिया पेपर को, ओके. क्या मूव कर गया? पेपर. ठीक है, दैट वॉज फाइन. यू पुश द पेपर एंड द पेपर मूव, दैट्स ओके. ये तो हमने पढ़ा है. आई डिड नॉट पुश द कॉइन, कॉइन वॉज एट रेस्ट एंड द कॉइन रिमेन्ड एट रेस्ट. पेपर तो चला गया बट कॉइन वहीं रह गया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द कॉइन, यही तो रीजन हो गया, राइट? सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द कॉइन, दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर बिकॉज दैट्स ट्रू. कॉइन को टाइम ही नहीं मिला पेपर के साथ मूव करने का, है ना? करेक्ट. बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कॉइन बोला आई विल मेंटेन माय पोजीशन. पेपर निकल गया, अब कॉइन को लगा अरे जमीन ही चली गई, राइट? द कॉइन फेल डाउन इन द ग्लास एंड दैट्स व्हाई. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. दिस इज वन मोर क्वेश्चन. इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. व्हाट डू यू थिंक? दिस इज अ कैरम बोर्ड. यू हैव क्रिएटेड अ स्टैक ऑफ द कॉइन्स, राइट? गिट्टी बोलते हैं हिंदी में, है ना? कॉइन्स इंग्लिश में, राइट? सो ऑल दीज कॉइन्स यू हैव क्रिएटेड अ स्टैक. आप झटके से मारते हो स्ट्राइकर, यू जस्ट यू नो पुश द स्ट्राइकर एंड इट रिमूव्स द बॉटम मोस्ट कॉइन. बाकी धप से नीचे गिर जाते हैं, ना? नीचे वाली गिट्टी निकल जाती है, बाकी सब गिर जाते हैं धप से. क्यों होता है ऐसा? क्या हो सकता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है. व्हाट डू यू थिंक? यस, कम ऑन, वी आर एक्सप्लोरिंग लाइक साइंटिफिक पीपल राइट नाउ. वेरी गुड. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो जो पूरा पिलर था, है ना, वो जो पूरा स्टैक था, वो रेस्ट पे था.
नीचे से तो सामान निकल गया बट इट रिमेन्ड एट रेस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया और वो नीचे गिर गया, राइट? सो दैट्स व्हाई. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन एज एन ऑटोमोबाइल एक्सेलरेट्स सडनली? दिस माई फ्रेंड इज your homework. I want to know in the comment section because I want to understand, did you get this or not? Easy question hai, tell me in the comment section. And meanwhile, let me just summarize this law. Kuch nahi hai. A body will remain at rest or it will remain in a state of uniform motion. Kab tak? Until unless acted upon by a net external force. Inertia kya hota hai? It is the property of a body to maintain its state of motion. Ya toh wo rest hoga ya motion hoga, right? Ya direction bhi ho sakta hai. The mass of an object is a measure of its inertia. Teen tarah ki inertia bolte hain. Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Dekhna hai, force kis pe laga? Kaun si cheez rest pe thi, kaun si cheez move kar rahi thi aur wo kaun si cheez hai jo rest pe thi, वो रेस्ट पे रह गई, जो मूव कर रही थी वो मूव करती रहेगी, राइट? सो दैट्स व्हाई इन क्वेश्चंस यू नीड टू फिगर आउट कौन सा इनर्शिया एक्ट करेगा, रेस्ट करेगा, मोशन करेगा या डायरेक्शन करेगा, राइट? सो विद दिस आई वुड से आई होप यू अंडरस्टूड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम. बेसिक्स शुड बी क्लियर क्योंकि इसके बाद आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू थिंक दिस कॉन्सेप्ट बाइट सेशन वॉज इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज यूजफुल फॉर यू, एंड लाइक दिस वीडियो इफ You really understood something. See you next time. Take care and bye-bye.